हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीरत दिल से तो सबकी मदद करने वाली लड़की थी, लेकिन उसका मदद करना हमेशा सबके लिए मुसीबत बढ़ाने वाला काम करता था। ऐसे ही एक दिन जब उसकी सास कमला छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तो अचानक कपड़े सुखाने वाली रस्सी टूट जाती है। लेकिन कपड़े जमीन पर गिरे उससे पहले कमला रस्सी पकड़कर अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे सीरत बहू, कहाँ है? जल्दी ऊपर आ, जल्दी! अपनी सास की आवाज सुनकर सीरत भागते हुए छत पर जाती है और अपनी सास को रस्सी पकड़े देखकर कहती है, माँ जी, आप ऐसे रस्सी पकड़े क्यों खड़ी हैं? शाम तक कपड़े नहीं सूखेंगे तो क्या आप ऐसे ही खड़ी रहेंगी? हाँ पागल हूँ मैं, तेरी भी हद है बहू, रस्सी टूट गई है, मेरी मदद कर, ये रस्सी पकड़, मैं कपड़े उतारू रस्सी से, वरना सारे कपड़े नीचे गिरेंगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छा माँ जी, पकड़ती हूँ। सीरत अपनी सास की तरफ रस्सी पकड़ने जाती है, लेकिन उसकी खुद की ही साड़ी में उसका एक पैर अटक जाता है और वो सीधा अपनी सास के ऊपर जा गिरती है और इसके कारण कमला के हाथों से रस्सी भी छूट जाती है। अब सास बहू के साथ साथ सारे धुले कपड़े जमीन पर पड़े थे। कसम से बहू, तुम मुसीबत बढ़ाने वाली ही काम करती है। इससे अच्छा था कि मैं खुद ही किसी तरह कपड़े उतार कर रस्सी बांध देती, लेकिन तुझे बुलाने पर मुसीबत बढ़ी, कपड़े तो गंदे हुए ही, साथ में मेरी कमर, हाय वो भी दर्द कर दी मेरे ऊपर गिरकर। माफ करना माँ जी, मेरी गलती है। सीरत नीचे मुंह किए हुए सारे धुले कपड़े एक बार फिर से धोकर अच्छे से रस्सी बांध कर वापस से सुखा देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक सुबह सीरत का पति पवन अपनी फेवरेट वाइट शर्ट पहनकर तैयार हो रहा था, तभी वो देखता है कि उसकी शर्ट का एक बटन टूटा हुआ है, जिसके लिए वो सीरत को आवाज देता है। सीरत कहाँ हो? जरा आना यहाँ पर, काम है तुमसे। रसोई में पकोड़े बनाती सीरत पवन की आवाज सुनकर कहती है, इनको भी ना इसी वक्त बुलाना है, देख कर आती हूँ। सीरत बिना हाथ धोए ही कमरे में जाती है और पवन से कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मेरे शर्ट में बटन लगा दो, आज एक ना बहुत बड़ी मीटिंग है और अपनी फेवरेट शर्ट पहन के जाना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात, दिखाना कौन सा बटन टूटा है। सीरत इतना बोलकर पवन के करीब जाकर शर्ट को छू कर देखती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि उसके हाथ बेसन से सने थे, इसलिए पवन की शर्ट पर बेसन के हाथ लग जाते हैं और वो ये देखकर कहता है, अरे यार सीरत, तुम ना बार बार यही करती हो, मुसीबत कम करने की बजाय बढ़ा देती हो। बटन लगाने को बुलाया था, अब शर्ट भी गंदी कर दी तुमने। माफ करना मुझे, मैं भूल गई थी कि मैं पकोड़े बना रही थी। लाओ शर्ट दो, मैं अभी धो देती हूँ और प्रेस से सुखा भी दूंगी। अब तो तुम रहने ही दो, मीटिंग आज है कल नहीं, जो यही समय बर्बाद करो। दूसरी शर्ट पहननी पड़ेगी। पवन गुस्से में वो शर्ट उतार कर साइड फेंक देता है और उसका ये बर्ताव सीरत को बहुत तकलीफ पहुँचाता है, लेकिन बेचारी क्या करती, करने तो मुसीबत कम ही आती है, लेकिन उसकी किस्मत के हर बार मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ जाया करती। लेकिन सिलसिला इतने पर ही नहीं रुकने वाला था। एक शाम सीरत मार्केट से सब्जियां लेकर आ रही होती है, तभी रास्ते में वो देखती है कि दो छोटे बच्चों पर एक कुत्ता भौंक रहा था। ये देखकर सीरत कुछ दूर खड़ी होकर बच्चे से कहती है, बच्चों डरो मत, मैं तुमको इस मुसीबत से निकालती हूँ, ये कुत्ता कुछ नहीं कहेगा, तुम जितना इससे डरोगे उतना डराएगा, ऐसे शांत करवाओ इसको। अले ले 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 ले, इधर आओ। अरे आंटी, वो काट लेगा, पागल है कुत्ता, बाद में मत कहना हमने फंसा दिया। बेटा तुम मुसीबत में हो और तुमको ऐसे देखकर भी मैं आराम से नहीं जा सकती ना, मैं तुम्हारी मदद करके ही जाऊंगी, और देखना ये कुत्ता कुछ नहीं करेगा, कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं और उनको बस जरा सा प्यार दो तो वो शांत हो जाते हैं। सीरत इतना बोलकर कुत्ते के पास बढ़ने लगती है और प्यार से ही उसके सर पर हाथ रखती है, कुत्ता उसके हाथ पर ही काट लेता है। घर आकर सीरत रोने में लगी हुई होती है, तभी उसकी ये हालत देखकर कमला कहती है, किसने कहा था झांसी की रानी बनने के लिए, वो कुत्ता तेरे चाचा का बेटा था जो उसको अले लेकर के शांत करवा रही थी, अब लगवाइए 14 इंजेक्शन पवन के साथ मिलकर। माँ जी मैं क्या करूँ, मेरी इंटेंशन तो मुसीबत कम करने की ही होती है, लेकिन हर बार मुसीबत बढ़ा के आ जाती हूँ, या तो अपने लिए या फिर दूसरों के लिए। अब रो मत,
जो हो गया सो हो गया। वो तो शुक्र कर बच्चों का कि उसने पत्थर मारकर कुत्ते को भगा दिया, वरना और अच्छे से काट लेता तुझे। शाम को पवन के आने पर बेचारी सीरत डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा कर आती है, लेकिन उसका और मुसीबत का नाता तो ऐसा था जैसे विक्रम बेताल का। विक्रम जहाँ जहाँ जाता बेताल पीछे पीछे आता। ऐसे ही एक सुबह पड़ोसन के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आंगन में झाड़ू लगा रही सीरत जैसे ही उसकी आवाज सुनती है भागते हुए उसके घर जाती है, जहाँ वो अपनी पड़ोसन विमला को बिजली के स्विच से चिपका हुआ देखकर पास ही पड़ा एक डंडा उठाकर उसे छुड़ाने जाती है, लेकिन वो खुद भी उसी के साथ चिपक जाती है, क्योंकि जल्दबाजी में जो डंडा उसने उठाया था वो लकड़ी का नहीं बल्कि लोहे का था। कुछ देर में मोहल्ले के लोग आकर दोनों को अलग करवाते हैं, जहाँ कमला अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, विमला के घर तू बचाने आई थी या खुद चिपकने? माजी, मैं तो बचाने आई थी, लेकिन जल्दबाजी में देखा ही नहीं कौन सा डंडा उठा लिया, लोहे का था या लकड़ी का। सीरत, तुमको तो घर के अंदर रहना चाहिए, किसी की मदद मत करो तुम, क्योंकि मुसीबत में जाती तो तुम मदद करने के लिए हो, लेकिन काम बिगाड़ के आ जाती हो। बस कर, एक तो वो करंट के झटके से पहले ही सदमे में है, ऊपर से तू उसको ऐसे सुना रहा है। चल बहू घर चल, विमला बहन आराम करना। कमला सीरत को घर तो ले आती है, लेकिन पवन के शब्द सीरत को चुप जाते हैं, इसलिए वो ठान लेती है कि वो किसी की भी मुसीबत में मदद नहीं करेगी, क्योंकि वो जितना भी अच्छी इंटेंशन से मदद करती मुसीबत बढ़नी ही है। जिसके चलते एक दिन जब रात के समय पूरा परिवार सो रहा था तो चुपके से उनके घर में चोर घुस आते हैं। चोर बड़ी ही सफाई से घर साफ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सीरत पानी पीने उठती है और चोरों को देख लेती है। ये देखने में तो चोर लग रहे हैं, लेकिन क्या करूं? वैसे ये मुसीबत की घड़ी है, पर अगर मैं कुछ करने की सोचूंगी तो पक्का मुसीबत बढ़ेगी। अभी तो चोरी ही हो रही है, कहीं मेरे कुछ करने पर किसी का कत्ल हो गया तो? ना बाबा ना, करने दो इनको आराम से चोरी। सीरत चोरों को देख कर भी अनदेखा कर देती है और चुपचाप पानी पीकर चली जाती है। उसे ऐसा देखकर चोर अपने साथी से कहता है, बस उसने देखा नहीं या देखकर कोई चालाकी करने जा रही है। मुझे तो नहीं लगता कोई चालाकी करेगी, उसको देखकर ऐसा लगता है अंधी है। हमें क्या, चोरी करो और एक उसके पास रहो, शोर मचाएगी तो बेहोश कर देना। हम कौन सा खूनी चोर है जो पता चलने पे कत्ल कर देंगे। ठीक है बॉस। एक चोर सीरत पर नजर रखता है और बाकी के चोरी करते हैं। अच्छे से चोरी करके चोर घर से निकल जाते हैं और सीरत आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह घर से चीजें गायब देखकर कमला अपना सर पीट रही होती है। हाय राम रे, बताओ रात के अंधेरे में हाथ साफ करके चले गए चोर। अरे बहू, तू रोज रात को जगती है पानी पीने के लिए, तूने ना देखे चोर? देखे थे ना माँ जी। क्या, तुमने चोर देखे? तो शोर क्यों नहीं मचाया, किसी को कुछ बोला क्यों नहीं? आपने बोला था कि मुसीबत को कम करने की बजाय मैं उसे बढ़ाती हूँ, तो इस बार मैंने मुसीबत आने पर उसको नजरअंदाज कर दिया। कहीं मैं कुछ करती और मुसीबत बढ़ जाती तो सामान चोरी तो होता ही होता, साथ ही मेरी लाश भी होती। या आप सबकी? सीरत की बात सुनकर कमला उठकर सीधा पवन के पास जाती है और उसे मुक्का मारते हुए कहती है, तू नहीं बोला था ना इसको कि मुसीबत में कुछ करने की जरूरत नहीं है? ले अब, उसने कुछ नहीं किया और इस बार उसके कुछ ना करने से मुसीबत बढ़ गई। बेचारा पवन, उसने तो बस अपनी पत्नी को मुसीबत बढ़ाने से मना किया था, लेकिन उसका ये फैसला उसी के लिए मुसीबत बन गया। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस घटना के बाद भी सीरत मुसीबतें बढ़ाना बंद नहीं करती और पवन उस पर गुस्सा करना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।